क्या आपको पता है एक ऐसा मॉडर्न विलेज है जो कि डेजर्ट के सेंटर में बना हुआ है, एक ऐसा बीच जो कि रात में ब्लू कलर ग्लो करता है, कुछ ऐसे मक्के भी होते हैं जिनके दाने कलरफुल होते हैं, ये एक ऐसी फिश है जिसके टीथ ह्यूमन टीथ जैसे होते हैं, आइसलैंड का एक ऐसा रॉक है जिसको देखकर लगता है कि कोई एलिफेंट पानी पी रहा हो। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स मैं लाया हूँ आपके लिए। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे शांतमय कमरा कौन सा है जिसका नॉइस लेवल माइनस में चला जाता है और इस कमरे में आदमी 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैक्ट नंबर 1, डेजर्ट वर्ड सुनते ही हम सबके माइंड में एक ही चीज आती है, वो है चारों तरफ रेत ही रेत। लेकिन अगर कुदरत और इंसानी कला मिल जाए तो एक मैजिक क्रिएट होता है। ह्यूका चीना, एक ऐसा विलेज पेरू में जो कि डेजर्ट के बीच बना हुआ है और इसके सेंटर में एक नेचुरल लेक है जिसको ओसिस ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। यहाँ काफी सारी शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी हैं क्योंकि यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं और सैंडबोर्डिंग जैसी कई चीजें करते हैं। एक और अमेजिंग फैक्ट, आपको इस विलेज की फोटो पेरू के करेंसी 50 सोल पे भी देखने को मिलेगी। ह्यूका चीना में इलेक्ट्रिसिटी का भी पूरा अरेंजमेंट है जिसकी वजह से रात को इसका ये नजारा देखने लायक होता है। वाओ, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, बचपन में जुगनुओं को देखकर हम हमेशा सोचते थे कि ये चमक कैसे रहे हैं और हम उन्हें पकड़ते भी थे और खुश हो जाते थे, है ना। चलिए आज मैं आपको थोड़ा और एडवांस दिखाने वाला हूँ। यह मालदीव्स का वाडू आइलैंड, ये आइलैंड हर रात को ब्लू कलर ग्लो करता है। ये जुगनुओं की एक प्रजाति की वजह से ही होता है, नॉक्टिलुका सेंटिलेंस। ये बेसिकली जुगनुओं की ही एक प्रजाति होती है जो पानी में रहती है। अगर कोई भी जीव इनको छेड़ता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए ब्लू लाइट ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से पानी में ब्लू लाइट दिखती है। और कुछ तो ये बीच के किनारों पर ही रह जाते हैं जिसकी वजह से ये अनबिलीवेबल सा मैजिक क्रिएट होता है। दैट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 3, हमारा प्लेनेट जिसको हम पृथ्वी, धरती, अर्थ जैसे कई शब्दों से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ का नेम डाला किसने? इसका आंसर किसी को पता ही नहीं और ना ही कोई रिसर्च ये सब पता कर सकी। अर्थ का मतलब सॉयल या फिर जमीन। हिस्ट्री में करीब 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में किसी बंदे ने अर्थ वर्ड का यूज किया था और हो सकता है कि वहीं से ये नाम आगे आगे चलता गया हो। दैट्स स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 4, 90s किड्स को तो पता ही होगा कि जो वोडाफोन की एड आती थी उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे, जूजूस। ये असल में किसी तरह की कोई भी एनिमेशन नहीं थी। लोगों को स्पेशली डिजाइन कॉस्ट्यूम्स पहनाई जाती थी जिसमें हवा भर दी जाती थी, लेकिन हम सभी को लगता था कि ये कोई एनिमेशन है। जूजूस को वोडाफोन 3G की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 5, इस वॉलपेपर को तो आप सबने पहचान लिया होगा, ये दुनिया का सबसे महंगा वॉलपेपर है। ये विंडोज XP का डिफॉल्ट वॉलपेपर होता था जिसको ब्लिस कहते हैं। तब हमको लगता था कि ये एडिटेड वॉलपेपर है, लेकिन ये एकदम रियल वॉलपेपर है विदाउट एनी एडिटिंग। ये एक रियल जगह की फोटो है और आज ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। इसको चार्ल्स ओरियर ने 1996 में क्लिक किया था और बाद में माइक्रोसॉफ्ट को बेचा था, जिसके बदले चार्ल्स को $1,00,000 मिले थे। क्या आपने कभी इस वॉलपेपर को यूज किया था? कमेंट बॉक्स हाजिर है, अपने अपने जवाब छाप देना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो एरोप्लेन की सीट्स होती हैं वो ब्लू कलर की ही क्यों होती है? क्योंकि ब्लू कलर को देखने से ही हमारा डर खत्म हो जाता है। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट्स है। जैसे कि रेड कलर को देखने से हमें लगता है कि यहाँ पे कोई खतरा है, वैसे ही ब्लू कलर को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पे हम सेफ हैं। पानी को देखने से हमें खुशी मिलती है, वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है। ब्लू कलर को देखकर ही हमारी बॉडी में से एक कामनेस केमिकल रिलीज होता है जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री ट्रेवल करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आम छलियां यानी मक्के जिसकी किसान बहुत खेती भी करते हैं। यहाँ पे मैंने आम क्यों कहा जान जाओगे। आम भुट्टे के दानों का कलर ऑरेंज होता है जो कि हम बहुत चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मक्के देखे हैं
देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये जेम्स की मीठी गोलियां हैं। इन एक्चुअल इनको ग्लास जेम कॉर्न कहते हैं, यानी रंग बिरंगे मक्के। इनका टेस्ट आम मक्कों से काफी स्वादिष्ट होता है। ये सबसे पहले अमेरिका में उगाए जाते थे, लेकिन अब बहुत सी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि इनको अपने अपने देशों में भी उगाया जा सके। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं स्टीफन विल्शियर, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, कुछ एक्स्ट्रा ही शार्प। अब हुआ ये कि इनको हेलीकॉप्टर से 20 मिनट में पूरे न्यूयॉर्क सिटी दिखाई गई, और फिर बाद में उन्होंने अपने माइंड से याद करके पूरे ही न्यूयॉर्क की सेम टू सेम ड्राइंग बना डाली, जिसमें हर एक बिल्डिंग वही थी जो रियल में वहाँ पे थी। इवन हर बिल्डिंग्स के ऊपर जो वर्डिंग्स टेक्सचर्स थे वो भी वही सेम थे, जिसको देखकर वहाँ के लोग काफी हैरान थे, और ये वीडियो काफी वायरल भी हुई थी। अब ये सच में हैरान कर देने वाला फैक्ट है, हमें तो एक दूसरे के फोन नंबर्स तक याद नहीं रहते, और इन्होंने तो सारा शहर हेलीकॉप्टर में 20 मिनट्स घूमकर पूरे ही पेज पर छाप दिया। फैक्ट नंबर 9, पिरानास फिश के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट फिश है, जो कि अपने तीखे दांतों से शिकार को नोच नोच कर खा जाती है। इन्हीं फिशेस की एक और कजन फिश है पाकू। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके दांत भी पिरानास जैसे तीखे ही होंगे, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि इनके दांत ह्यूमन टीथ जैसे होते हैं। अब देखो इनको, है ना। ये फिशेस प्लांट से लेकर हर उस जीव को भी खा लेती है जो इसके मुंह में फिट हो जाए। सच में नेचर के करिश्मे हैरान कर देने वाले ही होते हैं। फैक्ट नंबर 10, मैक्सिको के अंदर एक ऐसा हिडन बीच है जिसको नेचर ने मानो लवर्स के लिए ही बनाया हो। इस हिडन बीच को द बीच ऑफ लव कहते हैं। इसका नाम मैरिएटा आइलैंड है। इसमें सिर्फ टूरिस्ट ऑपरेटर्स को ही आने दिया जाता है, फिर भी कुछ लोग इलीगल तरीके से यहाँ आ ही जाते हैं। दरअसल हजार साल पहले यहाँ एक वोल्केनो का विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से मैरिएटा आइलैंड बना। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जगह अपनी मिलिट्री को ट्रेनिंग के लिए दे दी थी। ट्रेनिंग के दौरान ही एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ एक खड्डा बन गया, जिसने हमको ये हिडन बीच दे दिया। दैट्स अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 11, जापान हर मामले में सबसे एडवांस्ड कंट्री है। जापानीज टेक्नोलॉजी ही इतनी एडवांस्ड है, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात क्यों ना हो। लेकिन अगर बात बुलेट ट्रेन्स की हो, तो वो भी जापान की बुलेट ट्रेन्स की स्पीड सबसे आगे है। स्पीड के साथ साथ ये इतनी स्टेबल होती है कि अगर आप किसी भी बोतल, मोबाइल फोन या फिर किसी भी कॉइन को खड़ा करते हो तो वो स्टेबल ही खड़ा रहता है। अब सोच के देखो, ऐसी ट्रेन्स में ट्रेवल करने का क्या मजा होगा। क्या आपने कभी जापान की बुलेट ट्रेन्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, आज के टाइम में हर जगह रहने का किराया एकदम आसमान को छूने के बराबर है, राइट? लेकिन जर्मनी का एक टाउन है फ्यूजराई, जो कि ऑक्सबर्ग में है, जिसका साल भर का रेंट सिर्फ और सिर्फ 88 सेंट है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 65 रुपीज। और ये सच में बहुत ज्यादा सस्ता है, और ये 500 साल से इसी किराए पे ही टिका हुआ है। इन एक्चुअल जैकब फ्यूचर ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 1520 में जरूरतमंद लोगों के लिए बनवाया था। उनको धार्मिक चीजें करना और सोशल वर्कर्स का काम करना अच्छा लगता था, और आज यहाँ 67 हाउसेस और 147 अपार्टमेंट्स है। जैकब फ्यूचर की याद में आज भी यहाँ रहने वालों का किराया साल भर का सिर्फ $1 ही है। फैक्ट नंबर 13, आपने देखा ही होगा कि जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं वो जितना भी रो ले उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। फिर जब वो बेबीज थोड़े और बड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों में रोने के साथ साथ आंसू भी आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो न्यू बोर्न बेबीज के टीयर डक्ट होते हैं वो पूरी तरह से बने नहीं होते। जब बेबीज 2 वीक्स या फिर 1 मंथ के हो जाते हैं, तब उनके टीयर डक्ट्स मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 14, आइसलैंड, जिसको लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहते हैं, यहाँ काफी तरह के नेचर्स मिरेकल होते रहते हैं, जिसमें से फायर वाला मिरेकल ये है, द एलिफेंट रॉक। एक ऐसी रॉक जिसमें लगता है कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट पानी पी रहा है। ये वेस्टमैन आइलैंड्स में है। देखकर ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री में जो बड़े बड़े जायंट एलिफेंट्स दिखाते थे उसी का स्टैच्यू नेचर ने बनाया हुआ हो। कुछ बहुत ही कम एविडेंसेस से ये पता चला है कि इस जगह पे एक एल्डफेल वोल्केनो हुआ करती थी। उस वोल्केनो के कई धमाके हुए, फिर ऐसे ही चलते चलते नेचुरली ये एलिफेंट की इमेज बनी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि
भी एक रियल एलिफेंट पानी पी रहा हो। अमेजिंग। बोनस फैक्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे शांतमय कमरा कौन सा है जिसका नॉइज लेवल माइनस में चला जाता है और इस कमरे में आदमी 45 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। यह है ऑरफील्ड लैबोरेटरीज, दुनिया का सबसे शांतमय कमरा। इतना शांतमय कि इसका नॉइज लेवल -9.4 डीबीएल है। जो लोग इसके अंदर आज तक गए उन्होंने बताया कि उनको अपने ही फेफड़े फूलने की आवाजें, दिल धड़कने की आवाजें और अपने ही पेट की आवाजों से डर लगने लग गया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिलीज के बीच शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।